खत्म हो गया अवार्ड. गुड इवनिंग माय डार्लिंग माय फेवरेट. हाँ बोलो. परिणीता इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी हैव बीन एसोसिएटेड विद एशिया स्पा बिकॉज मेरा वेलनेस वेंचर भी है ना आयोसिस. तो बहुत समय से मैं उनको जानती हूँ. परिणीता आई होप यू नॉट गिवन मी दिस अवार्ड आउट ऑफ अ बायस्ड. हाँ प्रेजुडिस आई होप नहीं हूँ. आई होप आई एम फिट एंड फैब्यूलस. थैंक यू थैंक यू. जब डेफिनेशन बनी थी ना फिट और फैब्यूलस की तब आपको सोच के That's true. I like you even more now. नहीं नहीं no, it's a huge compliment. जब पति बोलते हैं कि मैं फिट और फैब्यूलस हूँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो आई एम लाइक राइट व्हाटएवर. लेकिन जब बाहर के लोग बोलते हैं मुझे कि मैं फिट और फैब्यूलस हूँ तो आई रियली फील दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट एंड आई टेक दैट कॉम्प्लीमेंट इन माई स्ट्राइड एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक एवरी वन. यस इट हैज़ बीन एक्चुअली. हाँ महाभारत का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और मैं यहाँ पर भागी भागी आई हूँ इसके बाद. सो या I think I've already commented before. I think I was one of the first to comment on camera. It's really sad. It's been shocking. The series of events, the names that have come out. But yes, of course. We're all part of the same industry. So on a lot of levels, it's hurt me as a woman, as even a bystander, you know. So because I've known a lot of those people, and I just think that I hope this movement continues, and you know there is, you know, things are put into place. It's not just a movement that is temporary. I hope, you know. Something bigger comes out of it and it's permanent, and I think in any milieu, whether it be the film industry or any workplace, it has to be a conducive atmosphere for all women, you know. So that's what I feel. So it's a great movement. आपको लगता है कि जो character measures लिए जा रहे हैं, committee which has been formed by Sinta and other people, these are in the right direction, and probably in a way you can also contribute some way. I think any committee, if you're a member, you have to dedicate a lot of time and effort. At this point, I don't have that kind of time to be part of a committee like that, but I totally encourage, and I think it's a welcome change that has happened in the industry. You know, people have taken cognizance of the fact that women have been wronged, and they're willing to listen to both parties and then come to a conclusion. तो ये बहुत अच्छा तरीका है. और मुझे लगता है यू नो समटाइम्स इट कैन यू नो पीपल कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस मूवमेंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कमिटी इन प्लेस एंड पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव. आमिर तो पिटने वाला है. हाँ
अच्छे से मिल रहे हैं आप दिवाली के विषय में, और क्या मिठाई खानी चाहिए? ऑफकोर्स खानी चाहिए, मैं तो संडे पे सब कुछ जो भी मीठा होता है मैं कूद पड़ती हूँ, आक्रमण करती हूँ। तो इसी बात पे मैं सारे व्यूअर्स को शिल्पा शेट्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कहती हूँ, एंड हैव अ वेरी हैप्पी सेफ प्रॉस्परस एंड नो फायर क्रैकर वाला दिवाली। रियली सी फॉर मी दिवाली, हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े हैं, एंड आई यूज टू रियली लुक फॉरवर्ड टू दिवाली बिकॉज माई पेरेंट्स वर बोथ वर्किंग क्लास, एंड दैट वॉज द वन टाइम इन द ईयर वेयर इट वॉज अ प्री रिक्विजिट, दे हैड टू बाय अस फाइव आउटफिट्स। सो शमिता एंड आई वुड वेट टू गेट दोज फाइव न्यू चेंजेस दैट पार्ट ऑफ द ईयर, एंड इट्स नॉट लाइक दूसरे फेस्टिवल्स पे हमको कुछ मिलता नहीं था, एंड यू नो वी वर डिप्राइव, बट वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड टू दोज फाइव न्यू आउटफिट्स बिकॉज दे वुड बी फॉर्मल एंड यू नो दे वुड बी इंडियन। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट। आई लर्नड हाउ टू डू रंगोली बिकॉज ऑफ दिवाली, आई लर्नड हाउ टू मेक कलकल्स बिकॉज ऑफ दिवाली, आई लर्नड द होल स्पिरिट ऑफ शेयरिंग एंड केयरिंग, क्योंकि हमारे हम लोग बिल्डिंग में रहते थे एंड वी टू ऑल एक्सचेंज स्वीट्स एंड करंजीज एंड आई रियली लव ऑल दैट। सो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमरीज फ्रॉम माई चाइल्ड हुड अबाउट दिवाली एंड आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन इन माई फैमिली। थैंक यू। तुम सिर्फ अपने सेगमेंट के बारे में सोचो। आपकी पार्टी कब है? कार्ड पार्टी बोली हो शिल्पा साहब है पार्टी 4 तारीख को अपने घर। अब मैं अनाउंस करूं टीवी पे आपके लिए